वर्ष 2022 तक राजधानी शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सौंदर्यकरण का काम इन दिनों जोरों पर। स्मार्ट सिटी के लिए जो काम कर रहे हैं, पब्लिक जो देख रही है, पब्लिक को कुछ परेशानी भी हो रही है। आपको पता है कि जैसे 14 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अब ये संजौली से IGMC के लिए बनाया था, तो अब ये काम चला हुआ है। दूसरी बात है, इन्होंने हवा घर घेर दिया, जो प्रगति उसमें स्मार्ट सिटी के उसमें हवा घर घेर दिया हुआ, जिसमें कि आम आदमी को बैठना उठने की भी काफ़ी दिक्कत, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा, जो आम पब्लिक जो वहाँ पे ठहरती थी बेचारी, बैठते थे, कोई आम मात्र आदमी है, कोई भी है, वहाँ पे हवा घर बिल्कुल इन्होंने कर दिया हुआ, तोड़ दिया हुआ, किसी का मतलब वो नहीं है। इन्होंने ठीक है, प्रगति का काम कर रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि भी सरकार कर रही है, काम कर रही है, पर लेकिन आम पब्लिक को बड़ी परेशानी सी हो रही है। और दूसरी बात यह है, अब जब काम पूरे टाइम से हो तब तो अच्छी बात है, अब उन्होंने जैसे शर्ट खोला तोड़ा है, सड़क बनने की बात कर रहे हैं, पुल बनने की बात कर रहे हैं, तो जल्दी क्यों नहीं हो रहा है? अभी फिर उसमें क्यों लटका दिया हुआ है काम? फिर एक दो दिन के लिए JPC लगी वहाँ पे, उसके बाद फिर तुरंत काम बंद हो गया। अब राम भरोसे चली हुई सरकार, अब वैसे ही यहाँ पे भी आप देखो, देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे अभी कोई मिस्त्री नहीं है, ऐसे लगा हुआ है काम, कोई प्रॉपर ढंग से काम नहीं हो रहे हैं। जो रिज मैदान पर काम चला हुआ है स्मार्ट सिटी का, जो भी काम चला हुआ उसमें कोई ऐसे दिख तो नहीं रहा है काम, पर फिर भी स्मार्ट सिटी तो जल्दी से जल्दी मतलब काम पूरा हो जाना चाहिए, जो भी टाइम है उससे पहले ही हो जाना चाहिए, हम ये ऐसा करेंगे। पर एक है, ये जो यहाँ पर एक प्रतिमा लगाई जानी है, वो दिसंबर में लगाई जानी है, उसका तो काम चला हुआ है बहुत जोरों से, और तो काम देखे नहीं है हमने, इतने खास कोई काम है नहीं। पर फिर भी ये है कि हो सके तो जितना भी काम है, जैसे कि अभी संजौली की तरफ से वो बनते हुए आ रहा है ट्रेन शटर टाइप जो बन रहा है, जहाँ से पैदल पथ या पैदल वाला है, वो काम चला हुआ है, बस वही काम दिख रहा है और कुछ है नहीं ऐसा। और दुकानों का काम, नीचे रेवेन्यू का चला हुआ है, और रिज मैदान पे तो अभी कोई खास ऐसा काम है। हम शामिल कर रहे हैं वो है हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी की जो एक मूर्ति हम यहाँ लगाएंगे, 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन के दिन जो है हम यहाँ उनकी स्थापित करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और हम हमारा एक ये सपना भी था कि हम इतने महान जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, हम उनका जो एक बहुत बढ़िया मूर्ति है रिज पर रहे, तो इसका काम जो है बड़ी जोरों से चला हुआ है। रिज आपने देखा होगा कि रिज का जो काम है वो मतलब इसको रिज को हम चौड़ा कर रहे हैं, रिज चौड़ा हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे वाटर टैंक है अंग्रेजों के टाइम से जो है अंडरग्राउंड है, तो इसमें भी हम जो है 1 करोड़ की लागत से जो है हमारे जो जल प्रबंधन निगम है वो इसमें कार्य कर रहे हैं आजकल। तो इसी तरह के जो बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, आपने देखा होगा टक्का बेंच के पास जो है बहुत पुराना, जहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वगैरह यहाँ पर भाषण देते हैं, तो इसको भी हम बहुत सुंदर बना रहे हैं। यहाँ जो पुराने फुहारे थे वहाँ से निकाल के हम नए फुहारे यहाँ बना रहे हैं। बाकी हमारे पार्किंग का काम है, हमारे पार्क का काम है, और जिम्स वगैरह है, 34 वार्ड है हमारे, 34 वार्ड में हम इक्वल काम कर रहे हैं। आप सड़कें बना रहे हैं, टाइलें लगा रहे हैं, तो मतलब ये बहुत अच्छा जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। जब से हमारे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी ने बागडोर शिमला की संभाली है, तब से लेकर के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। आज हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 60% काम जो है धरातल पर नज़र आ रहे हैं। हम आपने देखा होगा सब्जी मंडी में जो है जो पुराने पुराने धारे थे उनको हम जो न्यू करके उनके नए नए उनके लिए स्टॉल बना रहे हैं, और मतलब अच्छा सा मतलब शिमला एक स्मार्ट बनाने की जो है हमारे प्रयास है और रहेंगे। और हमारा सपना है कि दिसंबर 2022 को जो है शिमला की जो होगा वो एक अलग सा शिमला नज़र आएगा, ये हमारा सपना भी है, और हमारा हम इसमें पूरी मेहनत करेंगे, पूरा वो करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा को भी यहाँ स्थापित किया जाना है। नगर निगम के मेयर सत्या कौंडल का ये कहना है कि दिसंबर महीने तक उनके जन्म दिवस के अवसर पर इस काम को पूरा किया जाना है, और उन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर महीने में जब सैलानी यहाँ आएंगे तो रिज का एक नया स्वरूप उन्हें देखने को मिलेगा। राजधानी शिमला से कैमरा पर्सन अमन शर्मा के साथ अवंतिका खत्री की रिपोर्ट।
घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कितनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का माड़ या फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए। बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, बस 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, काढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए